हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे कॉन्सेप्ट क्रिएशन ग्राफिक्स। बेसिकली आज मैं फोटोशॉप पे एक ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ। इस तरह का कुछ कुछ ट्यूटोरियल एंड रिलेटेड थिंग्स आते रहेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टाइम इधर उधर वेस्ट ना करके सीधा ट्यूटोरियल पर चल कर। सरफेस पर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो होली लिखता हूँ, क्योंकि ये होली के टाइम का ही फोटो लिया हुआ है। तो हैप्पी होली, सेलेक्ट पिक्सल, देन कॉपी सी, फिर कॉपी डी, फिर एक और लेयर लिया और उसके बाद इसके ऊपर एक वेनिस पॉइंट बनाते हैं, जहाँ पे सपोज इस सरफेस पे मुझे चाहिए। ये एक वेनिस पॉइंट बनाते हैं, कंट्रोल भी किया, ये जैसा रिक्वायरमेंट होगा, ये चूँकि ये प्रोस्पेक्टिव किया हुआ तो उसी के हिसाब से ये एडजस्ट होगा। एंड होली है तो थोड़ा लिक्विफाई लुक दे देते हैं। अब इसको मैं जस्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो सरफेस के साथ थोड़ा मैच कर जाएगा। देन और सरफेस के साथ मैच करने के लिए ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे अल्टर पुश करके इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं तो ये और बेटर लगेगा। फिर अंडरलाइन, ये ज़्यादा हो जा रहा है। इसको अल्टर करके ये थोड़ा बिल्कुल इसके साथ मैच कर देते हैं। अब यहाँ तो आपका होली हो गया, लेकिन अब चेहरा बिल्कुल साफ साफ सा है तो ये तो चलेगा नहीं। तो फिर चेहरे पे भी थोड़ा रंग होना चाहिए, तो इसके लिए मैं कंट्रोल जे करूँगा, इसका एक लेयर बनाऊँगा और उसके बाद फिर लेसो टूल्स लेके जस्ट इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल जे किया, एक लेयर बना लिया। उसके बाद एडजस्टमेंट पे जाते हैं और वाइब्रेशन को थोड़ा बहुत इधर उधर करने से एक एक रंग लगा हुआ लुक आ जाएगा। फिर इनको इन्हें तो रंग, ये तो रंग गई, अब इनका भी रंगना ज़रूरी है। होली में ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई एक जन को रंग लगा, एक जन को रंग नहीं लगा। तो मेरी अब मैं फिर लासो टूल का यूज़ करूँगा, देन अगेन कंट्रोल जे, एक अलग लेयर बनाया, इमेज पे गए, ये भी रंग नाउ कंप्लीट। आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट्स पे जरूर बताइएगा और नेचुरली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आगे भी मैं इस तरह का